हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। लिफ्ट हमारी चल नहीं रही है। सुबह मेड भी बड़ी मुश्किल से आई है। सुबह मेड भी बहुत मुश्किल से आई है। ना सब्जी वाला आया है, ना दूध आया है, ना मैं नीचे उतरी हूँ। अब सब्जी भी नहीं आ पाएगा, दूध भी नहीं आ पाएगा। अब शाम को देखते हैं, दूध का किसी तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। आज शाम को देखती हूँ, काली चाय मेरा पीने का मन कर रहा था। जैसे ब्लैक कॉफी तो हम लोग पीते ही हैं बाहर में, काली चाय मैं सोच रही थी आज पीने के लिए। और देखती हूँ ब्लैक कॉफी, कॉफी नहीं चाय बनाने की। और बुरा ही हुआ आज, क्योंकि उसमें नाश्ता भी नहीं कर पाई मैं दूध के चक्कर में। और चाय भी नहीं पिया गया। अब देखती हूँ, जब बहुत ज्यादा मन करेगा, अब लगेगा कि हाँ नहीं, अब तो नहीं रह सकती, अब तो पीना ही पड़ेगा मुझे, तब मैं काली चाय बनाऊंगी। लिफ्ट हमारा ख़राब ही रहता है, पता नहीं किस बात का मेंटेनेंस लेते हैं। लिफ्ट ठीक होता है, इतने साल हो गए बिल्डिंग को, लिफ्ट हमारी ख़राब ही रहती है। और कल शाम को जब मैं बाहर से आई थी, तब भी सीढ़ियाँ चढ़ के ही आई थी, जो मैं इतनी ज़्यादा हाँफ रही थी। गर्मी भी तो हो ही जाता है ना, सर्दी में भी होता है हाँफना और गर्मी भी होता है कि आप सीढ़ी से चढ़ के आ रहे तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। ये बहुत दिक्कत होती है जब लिफ्ट खराब हो जाता है तो। सीढ़ी से चढ़ने उतरने की आदत नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, सीढ़ियों से उतरा करो, तो उतर के देखो तुम, तब पता लगेगा। 60-70 सीढ़ियाँ हैं, मेरे से तो नहीं उतरा जाता। मेरे को तो कुछ बाहर से लाना भी होता है ना, तो मैं गाड़ी में ही सामान छोड़ देती हूँ, या नहीं पता होता है कि लिफ्ट खराब है तो मैं गाड़ी में सामान छोड़ देती हूँ और लेके भी नहीं आती हूँ। अभी देखती हूँ, दोपहर को तो किसी तरह से खाना खाया है मैंने, सारा खाना, दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई थी मैंने, दाल चावल तो खा लिया मैंने, और सुबह नाश्ता किया नहीं था, तो एक साथ मैंने खाना ही खा लिया था आज। और देखती हूँ, अभी सब्जी भी नहीं ला पाऊंगी, आज वॉक पे भी नहीं जा पाऊंगी। मेरी सारी ड्यूटी, सारी जो दिनचर्या है, सारा गड़बड़ हो जाता है मेरा लिफ्ट खराब होने से। परेशानी कर देता है, सिर में दर्द हो गया मेरा तो। चलिए देखते हैं, शाम को मिलते हैं। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। अभी सर्दियों में, खैर सर्दी का तो नहीं है, मैं तो पूरे ही टाइम खाती हूँ उसको, बाजरे का भी खा लेती हूँ, मक्की का नहीं बनता है मुझसे, और बाजरे का तो मैं खा लेती हूँ। तो अभी सर्दियों में कुछ आटा बना के पीसते हैं ना, जो चना, सोयाबीन, बाजरा, नहीं बाजरा, बाजरा होता है, हाँ बाजरा होता है, सोयाबीन होता है, चना होता है और आटा होता है, काला चना होता है, वो सारा चीज़ मिक्स करके आटा पिसवाते हैं। तो किसी को बताना कुछ आइडिया हो तो, कि कितना कितना क्वांटिटी होता है। अगर 2 किलो अगर पिसवाना हो तो 2 किलो तो मेरा पता नहीं 6 महीने से भी ऊपर निकल जाएगा। 2 किलो आटा 6 महीने में भी नहीं ख़त्म होगा। और क्या क्या डालते हैं वो आइडिया हो किसी को तो वो बताना मुझे, और क्वांटिटी कितना कितना होता है वो भी किसी को पता हो तो वो भी बताइएगा मुझे। मैं सोच रही हूँ चक्की में देख के उसको मंगवाने के लिए पिसवा कर, तो तब तो शायद मैं रोटी खा पाऊँ, नहीं तो मैं चावल खा खा के तो परेशान हो जाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा ज़रा, आपके आपको किसी को आइडिया हो तो ज़रा बताइएगा मुझे। ये सारी चीज़ें होती है, वो बनता है वो तो पता है, लेकिन क्या क्या डलता है, कितना डलता है ये नहीं पता है मुझे। तो आप लोग ज़रा ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए शाम को मिलते हैं। आज मैंने काली चाय पी ली, अच्छा टेस्ट था, बहुत जगह देखती थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं आसाम गई थी नानी के साथ, मम्मी के साथ, नानी के घर, तो वो चाय पत्ती को उबालते नहीं थे, वो गर्म पानी डाल के वो चाय छन्नी में चाय पत्ती रखते थे और उसके ऊपर गर्म पानी डालते थे।
तो मैंने देखा है कि दूध वाली जो चाय पीते हैं और जो काली चाय पीते हैं ना, वो काली वाली चाय ज्यादा हेल्दी होती है। आज मैंने पढ़ा उसके बारे में सारा, मुझे अच्छा लगा पीना। मतलब एक मुंह से सिप करते हुए इधर इधर थोड़ा कड़वा सा लग रहा था, लेकिन अब मेरे को लगता है कि रेगुलर पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। बाकी अंधेरा हो गया है ना, मेरा दूध आया है ना, मेरी सब्जी आई है। सब्जी तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए था, जो आज मिला नहीं सब्जी। तो कोई बात नहीं, कल देखूंगी। और एक दो सरप्राइजेज हैं मेरे पास जो बताना चाहती हूँ। एक तो मेरे को गाने की शूटिंग का एक ऑफर आया है मुझे, अब वो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं करूँगी कि नहीं। और एक सरप्राइज और है, तो वो मैं कल परसों बताऊँगी, तब तक इंतज़ार कीजिए। और सारे सरप्राइज एक साथ नहीं ले लेते हैं ना, क्योंकि मैं भी सोचने में टाइम दे रही हूँ, तो आप भी पता करने में थोड़ा टाइम दीजिए। और बाकी अभी कोशिश कर रही हूँ सब्जी लेने के लिए, उतरने के लिए। अभी देखिए उतरती होगी नहीं, ये तो ऊपर चढ़ने के बाद तो कल वाला हालत ऐसे वाला हालत हो जाएगा मेरा कल की तरह, वो मैं चाहती नहीं हूँ। चलिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई नया सब्सक्राइबर है मेरे मोबाइल पे वॉच करने वाला, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।